बीए ऑनर्स हिंदी जामिया मिलिया इस्लामिया से होने वाले इस कोर्स के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। क्या इसका सिलेबस है, कितनी सीट्स हैं, क्या इसकी कट ऑफ रही है लास्ट ईयर और क्या ट्रेंड रहता है कट ऑफ का, कैसे आगे पीछे जाती है। साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से मिलने वाले हैं और कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़नी है ताकि आपको किसी तरह की कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े। ऑब्वियसली अभी ऐसा माहौल भी नहीं है कि आप कोचिंग की तरफ आ सकें, ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादातर बंद है और जो भी होगा वो ऑनलाइन ही हो रहा है कोचिंग में, तो आपको कोचिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट सिर्फ बुक से ही काम चल जाएगा, दो या तीन बुक्स आपको लेनी है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और कैसे आप हैंडल करेंगे नेगेटिव मार्किंग, इस वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं। तो एक कंप्लीट प्लानिंग की बात करेंगे कि 100% आपका सिलेक्शन मिनिमम एफर्ट में कैसे हो सकता है जामिया के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स का ब्यौरा भी दिया हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी का ये कोर्स है और इसके सिलेबस के बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं कितना क्या इसका सिलेबस है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या पैटर्न है। देखिए ये रहा इसका पूरा सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न की डिटेल। तो सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स का ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, जिसमें आपको टाइम अलाउड है 1 आवर 45 मिनट्स पौने 2 घंटे। और यहाँ पे दो हिस्सों में ये एग्ज़ाम होने वाला है। पार्ट ए में जिसमें सबके सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी लिटरेचर पे होंगे, कुछ क्वेश्चन हिंदी ग्रामर के हो सकते हैं और हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से भी आ जाए। तो सिलेबस को आप डिटेल में ज़रूर देख लें। कहता है पार्ट ए विल कंसिस्ट ऑफ 40 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिगार्डिंग जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इन पार्ट ए विद एवरेज ऑफ 2.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपको 0.25 मार्क मिलेगा और 1 मार्क मिलेगा आपको सही आंसर के लिए। तो नेगेटिव मार्किंग को कैसे टैकल करना वो भी हम इस वीडियो के लाइन में बात करने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं पार्ट बी में क्या कहता है। पार्ट बी विल कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्टिव टाइप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, यानी कि आपको आंसर लिख करके देने होंगे। पार्ट बी की एक दूसरी कॉपी मिलेगी जिस पे क्वेश्चंस छपे होंगे। अब क्वेश्चन पहले से ही छप करके आते हैं, क्वेश्चन पेपर आपको अकेला नहीं मिलता, क्वेश्चन छपे होंगे, उसके नीचे स्पेस दिया होगा जहाँ पर आपको आंसर मार्क करना होगा। पुराने क्वेश्चन पेपर्स हम आपको आपके अपने टेलीग्राम ग्रुप की मदद से दे देंगे, टेलीग्राम ग्रुप से आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे पड़ा हुआ है तो यूट्यूब से जाकर के आप देख भी सकते हो। वो भी लिंक हम शेयर करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर, आगे क्या कहता है। विद वेटेज ऑफ 60 मार्क्स, 60 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे जो डिस्क्रिप्टिव होंगे, जिनमें आपको आंसर लिखना होगा। 5 क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स वाले और 3 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स वाले, इस ढंग से टोटल 60 नंबर के सवाल होंगे। जनरल हिंदी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदी अप टू क्लास 12th लेवल, हिंदी ग्रामर आएगी इसमें, पोइट्री आएगी एंड प्रोज आएगा, यानी कि निबंध और ललित निबंध, व्यंग, समीक्षा एंड हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर एंड अदर्स। तो मोस्टली क्वेश्चन हिंदी लिटरेचर से ही आते हैं ऐसा देखा गया है। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो कोर्स है ये फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेज का है, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कोर्स की फ़ी कितनी है और इसमें सीट्स फिर से एक बार यहाँ पे दिखेंगे आपको कि फ़ी कितनी है। जस्ट अ मोमेंट, मुझे थोड़ा सा ढूंढने दो। बीए ऑनर्स हिंदी B29, ये रहा इसका पेपर कोड। और ओके, ये रही इसकी बाकी डिटेल्स, आप देख सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट, क्या हो रहा है ये। जी हाँ, ये हैं इसकी सीट्स के बारे में डिटेल। सीट 40 है यहाँ पे, 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो कोर्स है सॉरी, और उसके बाद 7,200 रुपये इसकी सेमेस्टर पर सेमेस्टर फीस है, सॉरी पर ईयर फी है। और अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की, सबसे ज़्यादा क्वेरी चीज पर आती है, वो फैक्टर है कट ऑफ। तो कट ऑफ का हमने 2020 का सभी लिस्ट जो कि 5 या 6 लिस्ट आई थी, उन 6 की 6 लिस्ट से यहाँ पे एक समेरी बना के आपको दिखा रहे हैं हम। यहाँ पे जनरल की जो पहली लिस्ट के हिसाब से कट ऑफ थी ये, दूसरी लिस्ट के हिसाब से थी ये, बाद में आई नहीं, मतलब फाइनल कट ऑफ जनरल की ये थी 39.75। क्लियर है, 39.75। अब हम बात करेंगे मुस्लिम कैटेगरी में। देखिए पहली लिस्ट के हिसाब से ये थी, दूसरी के हिसाब से ये थी, तीसरी में इसे कोई सीट नहीं मिली, चौथी के हिसाब से ये थी, पाँचवीं के हिसाब से ये थी और छठी में ये थी, यानी कि इसके बाद कोई भी लिस्ट नहीं आई है और यहीं पे ये क्लोज़ हो गई। आप कह सकते हैं मुस्लिम कैटेगरी में ये रही। और ऐसे ही मुस्लिम ओबीसी या एसटी में ये कट ऑफ थी आपकी 35.25 और मुस्लिम वुमेन के लिए 34 रही है। 3 लिस्ट आते आते हैं मुस्लिम वुमेन भी कैटेगरी क्लोज़ हो गई थी। तो ये थी आपकी कट ऑफ। आप समझ सकते हैं कि कैसे कट ऑफ वेरी करती है फ्रॉम 1 लिस्ट टू लास्ट लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट से लास्ट लिस्ट तक, ऐसे करके कट ऑफ वेरी करती है। साथ ही साथ अगर हम पिछली कट ऑफ की बात करें तो
वो कट ऑफ भी लगभग लगभग इसी के आसपास रही होगी, ऐसी उम्मीद है। वो आप देख लेना एक बार जा करके, दूसरे वीडियो में हमने डिटेल दी हुई है। लेकिन ये एश्योरेंस नहीं दिया जा सकता कि आगे भी ऐसे ही कट ऑफ रहेगी, क्योंकि कट ऑफ कभी भी फिक्स नहीं होती, थोड़ा बहुत वेरिएशन तो उसमें आता ही है। कई बार बहुत शार्प वेरिएशन भी आता है, जैसे कि बहुत सारे कोर्सेज में लास्ट ईयर देखने को मिला था। फॉर एग्जाम्पल BSc बायोटेक के केस में जो बायोटेक की कट ऑफ थी वो अप्रोक्सीमेटली 77 रही थी 2020 में, और 2019 में वो अप्रोक्सीमेटली 45 रही थी। तो इतना बड़ा वेरिएशन सिर्फ इसलिए आ गया था क्योंकि पेपर के लेवल में बहुत बड़ा चेंज आया था। यहाँ पे हिंदी ग्रामर के और हिंदी लिटरेचर के सवाल आते हैं, तो इतना ज़्यादा वेरिएशन आने के चांस नहीं होते, फिर भी कट ऑफ कभी फिक्स नहीं होती। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2016 से जामिया के क्वेश्चन पेपर मिलने शुरू हुए थे, उससे पहले जमा हो जाता था, वहीं मिलता नहीं था। तो 2016 से जो भी पेपर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल पे, वो हम आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में उनके लिंक शेयर कर लेंगे, और हार्ड कॉपी जिनकी भी अवेलेबल है वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर लेंगे। बट स्टिल अगर किसी के पास 2016 का पेपर है, 2017 का पेपर है, तो वो हमें अवेलेबल करा दे PDF, अगर वो शेयर कर लें तो बहुत अच्छा है। और टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, उसके बगैर आप अगर हमारा दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है, कांटेक्ट है, वो आसानी से नहीं हो पाता, तो उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। इसमें भी कोई चार्ज कहीं से कहीं तक आपका नहीं लगने वाला। लेकिन इन चारों पांचों पेपर को कैसे भी करके आप अरेंज करें और ज़रूर थरोली स्टडी करें। सॉल्यूशन के लिए जितने भी अवेलेबल हमारे पास है, 2019 का आई थिंक अवेलेबल है या 2020 का अवेलेबल है, दोनों के दोनों PDF भी हमने शेयर कर लिए हैं और सॉल्यूशन भी हमने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। और अब बारी है नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग को आप कैसे डील करेंगे, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। और नेगेटिव मार्किंग 40 क्वेश्चन से पहले लगेगी, तो 40 क्वेश्चन पर सपोज़ आपने अगर 20 क्वेश्चन पहले कर लिए हैं, तो ये हम एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे हैं, तो आप समझिए कि 20 क्वेश्चन से 20 नंबर तो आपके ये आ चुके हैं, ठीक है जी। अब बचते हैं आपके पास 20 क्वेश्चन जिनमें आपको डाउट है। कुछ ऐसे सवाल हैं, पांच सवाल सपोज ऐसे हैं जिनमें आपको ये पता है कि आपके दो ऑप्शन पूरी तरह से गलत हैं, लेकिन दो ऑप्शन में आपको डाउट है। तो उन दो ऑप्शन में जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन आपको लगता है वो आप मार्क कर दें। ऐसे पांच क्वेश्चन में से आपके तीन सवाल सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो तीन क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो 3 नंबर मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन गलत हो गए हैं तो आधा नंबर कम भी हो जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे जो नंबर मिलेंगे वो मिलेंगे 2.5, 2.5, ठीक है। ये जाने वाले थे आपके, फिर भी दो क्वेश्चन आपको मिल गए हैं, सॉरी 2.5 मार्क्स आपको मिल गए हैं, ठीक है। अब 15 सवाल आपके बचते हैं जिनमें आपको नहीं पता कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है, कुछ भी, मतलब ब्लाइंड एक तरह से हैं आप, नहीं पता उनके बारे में, कोई क्लू नहीं है आपके पास, तो सीधे एक कोई ऑप्शन उसमें से आप मार्क कर दें, हो सके तो सी, क्योंकि एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि सी ऑप्शन ज़्यादातर सही होता है। अगर ऐसा हुआ तो आपको 1/4 के बदले 5 सवाल इसमें यहाँ पे सही होने के चांस बनेंगे, और 5 सवाल अगर सही हो गए आपके तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन 5 नंबर में से कुछ माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि 10 सवाल तो आपके ऑलरेडी गलत हो चुके हैं। तो 10 सवाल अगर गलत होंगे 2.5 नंबर आपके चले जाएंगे, 2.5 नंबर चले जाएंगे, 5 नंबर मिले थे तो 2.5 नंबर फिर भी आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे करके जहाँ 20 नंबर आने वाले थे आपके, वो आप 25 नंबर आ चुके हैं, और आपका सिलेक्शन काफ़ी हद तक अब ऐसी पोजीशन में होने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपकी मेरिट काफ़ी ऊपर। 5 नंबर बहुत मैटर करते हैं, 5 नहीं आए सपोज 3 भी आ गए, तब भी आपके लिए बहुत बड़ी राहत होगी। और बाकी आप प्रैक्टिस अच्छी करें, क्योंकि सेकेंड पार्ट में बगैर प्रैक्टिस के कुछ होना नहीं है। जो बुक्स की अगर आप बात करें, तो बुक्स के लिए हमने बुक्स के नाम सहित डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल डाल दी हैं, लिंक डाल दी हैं, आप वहाँ से बुक परचेज करें और घर पर बैठ कर बढ़िया तैयारी करें, प्रैक्टिस अच्छी करें। प्रैक्टिस ही आपको और उस आगे लेकर जाने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।